कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों, मज़े में। दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं कि कई स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, या तो जोड़ों के दर्द या तो कमर के दर्द, खास करके महिलाओं में कमर दर्द आम बन गया है। और इसमें से छुटकारा पाने के लिए कई बार हम कई दवाएं लेने के बावजूद ठीक नहीं होता। दोस्तों, ज़्यादा करके हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ऑपरेशन कराए हुए जीवन महिलाओं को ये दर्द घर कर जाता है। तो कई बार बुजुर्ग भी होते हैं कि जिनको आए दिन जोड़ों के दर्द होते हैं। एक अच्छी सी चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। और वो चीज़ ऐसे तो सामाजिक दृष्टि से देखे तो उसे बहुत बदनामी मिली है, लेकिन अगर उसका उपयोग किया जाए तो उसमें से कई प्रकार के हमें लाभ मिल सकते हैं मालिश के लिए। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ दारू की। आप चौंक मत जाना दोस्तों, दारू का भी उपयोग आयुर्वेद में मालिश के लिए बहुत ही अच्छे में अच्छा गुणकारी बताया है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों को आए दिन कमर दर्द हो या जोड़ों के दर्द हो या कई प्रकार के छोटे मोटे दर्द होते हैं, इनमें दारू का उपयोग कैसे करें? ऐसे तो समाज में इसे बहुत बड़ी बदनामी मिली है, लेकिन अगर इसका भी उपयोग किया जाए तो ये अमृत से कम नहीं है दोस्तों। लेकिन उचित मात्रा में, उचित जगह पर इसका उपयोग करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिल सकते हैं दोस्तों। ऐसे तो हर एक की प्रकृति अलग होती है, कम ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन बाहरी उपयोग के लिए दारू की मालिश अगर नियमित से करने में आए तो उसे काफ़ी राहत मिल सकती है दोस्तों। लेकिन किस तरह से वापरना है उसके बारे में अगर मैं बात कहूँ तो दोस्तों, आपको कोई भी इंग्लिश हो या देसी दारू हो, देसी सस्ती मिलती है, आप देसी दारू का उपयोग कर सकते हो। छोटी सीसी भी मिल जाती है, सैंपल पैक आते हैं जो देसी दारू के, उसका उपयोग आप करते हो तो अच्छा है दोस्तों। अगर महुआ का दारू मिल जाए तो सबसे अच्छा है दोस्तों। गांव में मिल सकता है, शहरों में नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, दारू का उपयोग किस तरह से करना है दोस्तों? दोस्तों, आयुर्वेद में दारू को भी मालिश के लिए एक अच्छी चीज मानी गई है दोस्तों। तो आपको लेना है 1 चम्मच कोई भी देसी दारू, उसमें 2 चुटकी जायफल, जायफल जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी 2 चुटकी पाउडर लेना है और उसमें मिला लेना है। और आधी चुटकी जो सूखा अदरक होता है जिसे सौंठ कहते हैं, जिंजर पाउडर, उसकी 1 चुटकी उसमें डालनी है। उसे अच्छी तरह से मिला देना है। और कमर पर मालिश अगर आप करते हो 5 से 10 मिनट उसे, और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि जिन लोगों को कमर का दर्द होता है उसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे तो ये वायु रोग की बहुत बड़ी दिक्कत है, कैल्शियम की कई बार गोलियां लेने के बावजूद भी ये दिक्कत दूर नहीं होती, लेकिन हमारे जो मांस ग्रंथियां है, मसल्स है, उसमें आए दिन दर्द होते रहता है। तो उसमें आप अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही राहत मिल सकती है दोस्तों। दारू मालिश के लिए अच्छी मानी गई है। कई सारे बुजुर्ग गांवों में भी जिन लोगों को इस तरह से दर्द होते हैं तो वो लोग मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग गांव में बुजुर्ग हो गए वो लोग तो मानते ही है कि ये दारू का अगर इस्तेमाल मालिश करने में आता है तो फायदा मिल सकता है दोस्तों। लेकिन किस प्रकार से आपको करना है, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको 1 चम्मच देसी दारू लेनी है। अगर आप इंग्लिश भी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन देसी सस्ती दारू मिल जाती है, 1 चम्मच लेना है। उसमें 2 चुटकी जायफल का पाउडर डालना है, आधी चुटकी सौंठ का पाउडर डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करके उसे, जिस तरह कमर में दर्द हो या जोड़ों के दर्द हो, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो मालिश करके। हमारे शरीर में कई प्रकार के अलग अलग जगह दर्द होते हैं तो उसी हिसाब से आप मात्रा बढ़ा सकते हो। लेकिन 1 चम्मच अगर लेते हो तो 2 चुटकी,
दो चम्मच लेते हो तो चार चुटकी और दो चुटकी आपको सौंठ पाउडर लेना है, लेकिन एक चम्मच के हिसाब से आपको दो चुटकी लेना है और आधी चुटकी सौंठ का पाउडर लेना है, जिसे सूखी अदरक का पाउडर कहते हैं दोस्तों। इसका उपयोग आप जरूर से करें और लाभ लीजिए। दारू खराब है, पीने की वजह से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इसका अगर सही से उपयोग किया जाए तो हमारे जोड़ों के दर्द है, कमर के दर्द, खास करके जो महिलाएं गांवों में रह सकती है वो ये उपाय कर सकती है, और शहरों में भी जिनके पास अगर सुविधा हो तो इस तरह से मालिश करके कमर के दर्द से या जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है दोस्तों। तो आप ये छोटा सा नुस्खा है करके दीजिए, देखिए और इसका लाभ लीजिए दोस्तों। उचित मात्रा में कोई भी चीज़ अगर जहर को भी उपयोग किया जाए तो वो लाभ दे सकती है, उसी तरह दारू बदनाम जरूर है, लेकिन आप अगर इसका उपयोग करते हो तो ये अमृत से कम नहीं है दोस्तों। आप जरूर से इसका लाभ लीजिए, यही कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और आपका घर परिवार भी आनंदित रहे। फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।